एपिसोड 7 एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहां से ये स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट चलने वाली है, जहां अब स्टोरी में इन्वेस्टिगेशन, कोर्टरूम ड्रामा और पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि अब्दुल के स्टैम्प पेपर बिजनेस को बढ़ाने के लिए या ग्रो करने के लिए। एपिसोड की स्टार्टिंग जनवरी 2002 से होती है, जहां जेके अब्दुल से जेल में मिलने आया होता है और बिजनेस में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा होता है। जेके उसे बिजनेस को कुछ टाइम तक बंद करने की बात करता है, तब अब्दुल उसे कहता है कि तुम इस बिजनेस को बाहर रह के और भी ज्यादा बड़ा बना दो, क्योंकि अब हमें इन लोगों को पहले से भी ज्यादा पैसे खिलाने पड़ेंगे। वहीं अब्दुल को लगता है कि ये सब कुछ उसी शेख ने करवाया है, तो वो उसका भी नाम स्टैम्प पेपर फ्रॉड में डलवा देता है। ये बात न्यूज़पेपर में आते ही फिर से अपोजिशन पार्टी का लीडर इसका बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देता है। खैर, फिर से रूलिंग पार्टी एक इन्वेस्टिगेशन टीम को रेडी करती है और ये बात अब्दुल और उसका वकील जेल में बैठकर देख रहे होते हैं, क्योंकि अब्दुल के पास जेल में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, टीवी, फ्रिज, बेड, मानो जैसे कि वो किसी होटल में रुका हुआ हो। अब्दुल का वकील उससे कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन बैठी तो तुम्हारा नाम भी जरूर आएगा, लेकिन अब्दुल कहता है कि करंट गवर्नमेंट ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। वहीं बेंगलोर में वसूली भाई यानी कि इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप को दिखाया जाता है, जिसे कि डीजीपी मैम इस केस पर अपॉइंट करती है और इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। यहां सूर्य प्रताप कहता है कि उसे सच में इन्वेस्टिगेशन करनी है या सिर्फ दिखावा। तब डीसीपी मैम कहती है कि तुम्हें सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन शेख से दूर रहना, और तैलगी एक हफ्ते में ही बाहर आने वाला है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है। जिसके बाद सूर्य प्रताप मिनिस्टर को अपनी टीम दिखाता है और कोर्ट में अब्दुल को इंटरोगेट करने के लिए उसकी टीम परमिशन मांगती है, लेकिन जज कहता है कि इंटरोगेट करने से पहले एक चार्जशीट जमा करो, तभी वो उन्हें परमिशन दे पाएगा। वहीं सूर्य प्रताप रजनीकांत से मिलता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी ये 23 नाम कैसे मिले। अब रजनीकांत कहता है कि 22 नाम, तैलगी का नाम तो खुद डीजीपी ने लिया था, मतलब कि तैलगी को जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है। सूर्य प्रताप अब्दुल के वकील से भी मिलता है, जो कि सूर्य प्रताप से कहता है कि अब्दुल के पास ऑलरेडी एक वैलिड लाइसेंस है, तो वो ये नकली स्टैम्प पेपर बेचने का काम क्यों ही करेगा। तब सूर्य प्रताप कहता है कि ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि हमें तो अब्दुल से मिलने नहीं दिया जा रहा, तब जो कुछ भी है वो आप हमें सीधा सीधा बता दीजिए। जिसे डरकर अब्दुल का वकील वहां से भाग जाता है और अब्दुल को सूर्य प्रताप के बारे में वार्न करता है कि अगर इसे कोई भी प्रूफ मिला तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सूर्य प्रताप अब उन 22 लोगों को ढूंढने के लिए एक टीम लगाता है, लेकिन उनमें से एक भी नाम रियल नहीं होता। दरअसल ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते सिवाय अब्दुल के, मतलब कि ये सारा प्लान अब्दुल को फंसाने के लिए किया गया था। वहीं डीजीपी से मिलने पर वो बताता है कि अब्दुल के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने पर कोई भी दूसरी टीम उनका साथ नहीं दे रही, इसलिए वो उसके स्टैम्प पेपर को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन मांगता है, जो कि उसे मिल जाती है, जिसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पर वो अब्दुल के स्टैम्प पेपर बनाने वाली ऑफिस पर आ पहुंचता है, जहां ऑलरेडी अंदर जेके नकली स्टैम्प पेपर छाप रहा होता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां लोग जमा हो जाते हैं और पुलिस को वहां से भगा देता है, क्योंकि वहां पुलिस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता, और इसीलिए ही अब्दुल ने ये जगह चुनी थी स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए, जैसा कि हमने सीजन 1 में भी देखा था। लेकिन यहां सूर्य प्रताप को जाने से पहले एक डस्टबिन से ओल्ड स्टैम्प पेपर मिल जाता है और नए स्टैम्प पेपर के साथ कंपेयर करने पर वो अब्दुल का सारा प्लान समझ जाता है। यहाँ अब्दुल के खिलाफ कोई भी चार्जशीट जमा नहीं हुई थी, लेकिन सूर्य प्रताप की टीम ने ऐन वक्त पर एक नई चार्जशीट जमा करवा दी होती है, जिसमें कि स्टैम्प पेपर की अमाउंट 9 लाख से 9 करोड़ करती होती है। सूर्य प्रताप कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट में स्टैम्प पेपर चोरी हो रहे हैं तो सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लग रही, और यहां हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि तैलगे उतने अमाउंट के स्टैम्प पेपर चोरी करने के साथ अपने छापे हुए स्टैम्प पेपर रिप्लेस कर देता था, इसलिए कभी भी किसी को कोई शक गया ही नहीं। सूर्य प्रताप एस्टिमेट करता है कि अब तक 2 से 3 हजार करोड़ के स्टैम्प पेपर पूरे इंडिया में फैल गए होंगे। ये सब सुनकर तो अब्दुल और उसके वकील की दोनों की हालत खराब हो जाती है और फाइनली अब्दुल की बेल कैंसिल कर दी जाती है। अब्दुल इस बार भी पीए पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन फिर से पीए उसे मना लेता है कि वो जल्द ही उसे बाहर ला देगा। अब्दुल ऑलरेडी 3 महीनों से जेल में था और अब फिर से ना जाने उसे कितने टाइम तक जेल में रहना पड़े, इसलिए वो मुंबई पुलिस से कॉन्टेक्ट
करता है जिसे कि रिकॉर्ड कर लिया जाता है और सूर्य प्रताप ये रिकॉर्डिंग मिनिस्टर को दिखा देता है। वहां मिनिस्टर का पीए उस फाइल को मुंबई संसद में भेज देता है और अब मुंबई संसद में भी बवाल शुरू हो जाता है इस स्कैम को लेकर। यहां मुंबई की गवर्नमेंट कहीं ये स्कैम में उनका भी नाम ना आ जाए इसलिए वो अब्दुल को पुणे शिफ्ट करने को कहती है, जहां हम पुलिस कमिश्नर जगदीश शुरी को देख पाते हैं जिसे कि मुंबई की रूलिंग गवर्नमेंट अब्दुल का केस टेक ओवर करने को कहती है। लेडी ऑफिसर हलानी अब्दुल को कन्विंस करने आती है कि वो पुणे जेल में शिफ्ट हो जाए और जाधव से फोन पर बात करने के बाद अब्दुल मान जाता है। यहां हलानी अब्दुल से कहकर कुछ स्टैम्प पेपर मुंबई पुलिस के हाथों पकड़वा देती है जिसके चलते ये केस मुंबई पुलिस के पास आता है और अब्दुल ये न्यूज मुस्कुराते हुए देखता है। अब्दुल को कॉल आता है कि उसकी कस्टडी जल्द ही मुंबई पुलिस के पास पहुंचने वाली है। यहीं ये बात सूर्य प्रताप भी सुन रहा होता है। अब्दुल कहता है कि मुंबई आते ही वो एक बड़ी छलांग लगाएगा और सबको मालामाल कर देगा। और इसी के साथ एपिसोड 7 यही एंड हो जाता है।